एक योगी ध्यान योग विचक्षण है, सोप देशों भेद पूता है किम पुनस्तस्य बांधवा। ये एक शास्त्रीय नियम चलता है, जिस देश में जिस प्रांत में एक ध्यान योगी वास करता है वो देश का देश पवित्र हो जा करता है, और उसके भाई बंधुओं का तो कहना ही क्या है। यही कारण है कि भक्तों की गाथाओं के अंदर प्रहलाद के 21 पुरुषा तर गई, अर्थात 21 वंशावली की 21 पीढ़ी एक प्रहलाद के कारण सबका उद्धार हो गया। तो प्रहलाद का आत्मसमर्पण ईश्वर के अंदर था, इसके फलस्वरूप जिस इसके प्रति उसके मन में संकल्प आया उसका उद्धार होता रहा। योग ध्यान के विषय में ये बात श्री अंकंद प्रभु जी अपने मुखारविंद से कहा करते थे। मूलाधार कमल के अंदर जो लोग संयम कर लेते हैं, गुरुदेव की आज्ञा को सामने रख करके उनकी बताई विधि के अनुसार जो संयम कर लेते हैं उसका फल ये निकलता है, यम यम चिंतायते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उसके मन में जो जो भी कामना आ जाती है वो अवश्य अवश्य पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय ये, पहली बात तो ये तीर्थ क्षेत्र कुंभ मेला, तीर्थ क्षेत्र तो प्रयाग अति प्राचीन काल से तीर्थ क्षेत्र है ही है, और फिर दूसरी बात कुंभ का मौका, कुंभ का अवसर भी ये 12 साल के बाद एक बार मिलता है, और कोई कोई कुंभ तो इस प्रकार का आता है जो सैकड़ों वर्ष के बाद उस नक्षत्र उस तिथि उस योग में आता है जो परम कल्याणकारी योग हुआ करता है। हमारे पूर्वजों ने जिन सिद्धांतों का निश्चय किया वो सिद्धांत हैं। सिद्धांत उसको ये कहते हैं, सिद्धांत उस वस्तु को कहा जाता है, सिद्धो अंत निष्पन्न यह सा सिद्धांत है, जो बिल्कुल यथार्थ सत्य बात हो उसको सिद्धांत कहा जाता है। वैसे मन कल्पित सिद्धांत तो मनुष्य राजस तामस भाव वाले जैसे जिसके मन के में भावना आती है वो अपने सिद्धांतों को वैसे बढ़ा लेते हैं, किंतु यथार्थ में सिद्धांतों का रचयिता वो हो सकता है जो यथार्थ में योगी है और जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकट हो गई। ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ होता है ऋतम सत्यम विभर्ति या सा ऋतंभरा, जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है वो यदि आ जाए, अर्थात उस जो व्यक्ति सत्य संकल्प हो जाए, उसके मन में जो विचार आए वो सत्य आए, उसमें मिथ्यात्व का नाम निशान भी न हो तो समझना चाहिए वो सिद्धांतों का निर्माता हो सकता है। हमारे सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए और ऋषियों तत्व दृष्टा रहा, ऋषि कहते ही उसको हैं जो तत्व दृष्टा हो यथार्थ का ज्ञाता हो। तो जितनी प्रयाग क्षेत्र की महिमा पुराणों के अंदर लिखी गई है या जितनी कुंभ मेले की महिमा लिखी गई है उसके अंदर विशेषता की बात यही है कि यहाँ पर सभी देवी देवताओं का वास होता है और कोई कुंभ इस प्रकार का नहीं होता जिसमें सिद्ध योगी राज नहीं आते। सिद्ध लोग आते हैं वो गुप्त रूप से रहा करते हैं, उनको हर आदमी पहचान नहीं सकता, हर आदमी जान नहीं सकता, मनुष्यों की तरह से सामने आकर वो लोग चले जाया करते हैं। इसलिए तुम सब के सब इस ब्रह्म क्षेत्र के अंदर तीर्थ क्षेत्र के अंदर रह रहे हो, और अब की बार हम भी लगभग 1-1.5 महीना
या रहे ही रहे, अब तो खैर अधिक से अधिक एक सप्ताह ही रह पाएंगे, उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा। निश्चित प्रोग्राम बन चुके हैं, फर्क अवश्य निभाने पड़ेंगे, किंतु इतने दिन तक हमारा तुम्हारा सबका यहाँ निवास रहा है। हमारे कुछ बच्चे आए और चले भी गए, किंतु जिस प्रकार का उपदेश और व्याख्यान हम रोज रोज समझाते आए हैं, उसके अनुसार जिन लोगों ने अपने गुरुमंत्रों का जाप किया होगा, ये निश्चित बात है उनको सिद्धानुकंपा प्राप्त हुई होगी। सिद्ध लोग देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है, उसके प्रवृत्ति की अनुकंपा उनकी कृपा हो जाया करती है, वो सहायता मिल जाती है, जिस सहायता के कारण उनका उत्थान हो जाया करता है, कल्याण की ओर चली जाती। दूसरी बात, प्रथम बात तो श्री आनंद प्रभु जी की कृपा ही, श्री प्रभु जी सिद्धों के महासिद्ध हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं। मैंने तुम्हें कई बार बतलाया था कि ऋषिकेश कल्याणी वाले केशवानंदी अवधूत अंतर्दृष्टा थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये लोग तो हिमालय को कभी छोड़ते ही नहीं, इतने बड़े महापुरुष यहाँ पृथ्वी पर आए तो कैसे आए, ये लोग तो हिमालय को छोड़ते ही नहीं। ये केशवानंद अवधूत की वाणी थी। आज प्रातः काल में जिक्र कर रहा था, कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो नंदगांव बरसाने के रहने वाले थे। मैंने थोड़ा सा जिक्र किया बरसाने की बाबत किशोरीदास भंडारी का। किशोरीदास भंडारी निम्बार्क संप्रदाय के आदमी थे, किंतु एक प्रकरण चल पड़ा जिस प्रकरण के अनुसार उन्होंने ध्यान में श्री प्रभु जी के दर्शन प्राप्त किए और प्रभु जी के तेज को देख करके वो उठे और उठकर कहने लगे, अरे भाई वाह 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 वाह, वो तो पर ब्रह्म है, वो तो पुरुषोत्तम है, उनसे परे कौन है, वो तो परात्पर हैं, तुम्हारे तो बहुत बड़े भाग्य हैं, तुम्हें श्री गुरुदेव की प्राप्ति है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो ये श्री प्रभु जी के चरण कमल मिलना, दूसरी बात श्री प्रभु जी का स्वरूप सामने, तीसरी बात यदि तुमने नियम से अपने मंत्रों का जाप किया होगा तो प्रभु जी की कृपा, सिद्धों की कृपा, और तीसरा देवताओं की कृपा, इस तीर्थक्षेत्र तीर्थ क्षेत्र के अंदर रहने का लाभ अवश्य हरेक को मिलेगा और कल्याण मार्ग पर चल सकते हैं। अब चार छह दिन हम लोग यहाँ रहने के रहे, उसके बाद तुम सब भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, अन्य अन्य कार्य जैसी प्रभु जी की आज्ञा है के अनुसार कार्यक्रम करेंगे। इतने दिन डट कर अपने अभ्यास क्रम को उसी प्रकार बढ़ाते चले जाओ। प्रातः काल हम श्री प्रभु जी की आरती गंगा स्नान करके कर दिया करेंगे। करने के बाद हमारा कार्यक्रम तो ये रहता था कि हम गीता के पाठ पर थोड़ा सा प्रवचन किया करते थे, किंतु प्रवचन का नियम हमने आज से हटा दिया है। उसके बाद तुम कम से कम एक घंटा जब तक नाश्ता तैयार न हो तब तक यहाँ बैठ करके हरेक मंत्र का जाप किया। दूसरी बात, जिन लोगों ने प्रातःकाल स्नान करने के लिए चलना है वो 6 बजे तैयार रहे, हम भी चलेंगे, तुम भी चलना, हम थक जाएंगे तो गाड़ी भी तैयार रहेगी, उसमें बैठ जाएंगे, लौट के हमने आना है। और दोपहर को हमारी ब्रह्मचारी प्रभुदत्त जी मेरे पुराने परिचित हैं, एक प्रकार से मेरे भाई ही समझना चाहिए, बड़े भाई हैं, वृंदावन में मुझे मिले थे, बहुत से पहले से इनका प्रेम मेरे प्रति है। आज अकस्मात और शासन के सम्मेलन में वो आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अब तक आए नहीं, कल जरूर आ जाना। मैंने उनसे कह दिया आज जाएंगे, तो हम दोपहर को करीबन 1 या 2 बजे उधर भी जाएंगे, जो लोग चलना चाहेंगे वो भी बड़ी खुशी से चले चलेंगे, और दिन भर अपने कार्यक्रम को जैसे उन्होंने कह दिया है उसी प्रकार से निभाओ। प्रातःकाल स्नान करने चलेंगे, प्रभु जी का कीर्तन करते हुए ढंग से चलना, और उसके बाद आरती पूजन करेंगे, गीता पाठ करेंगे, गीता पाठ के बाद 1 घंटा यहाँ बैठ करके जरूर मंत्र जाप करना, हम उपदेश नहीं करेंगे प्रातःकाल। कई दिन से लगातार
हम सायंकाल के व्याख्यान क्रम को निभा नहीं सके क्योंकि तुम सभी इस बात को जानते हो कि भीड़ बहुत काफी हुई थी और उस भीड़ के अंदर मैं कुछ विचलित हो गया। लोगों को आवास देने के लिए, ठहराने के लिए यद्यपि कैंप इतना बड़ा लगाया गया किंतु फिर भी परिस्थिति इस प्रकार की आई जिनमें लोगों को ठहराना बहुत मुश्किल हो गया। सब यहाँ पड़े रहे, कुछ पंडाल में पड़े रहे, बाहर पड़े रहे, बिस्तर लगाए रहे, बच्चे सब हमारे ही थे, भीड़ भाड़ बहुत काफी हो गई। आज से कई दिन पहले के व्याख्यान में साधन क्रम को बतलाते हुए मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि मनुष्य को क्रियाशील रहना चाहिए। हमारा शास्त्रीय सिद्धांत है पूर्वम नेवेह कर्माणि जिजीव से छटक समा एवं एवं तय नाल्यथे तो उसकी न कर्म लिखित पे न रही। एक सिद्धांत की बात ये समझाई गई है मनुष्य को 100 वर्ष की जिंदगी कर्म करते हुए व्यतीत करनी चाहिए। जो मनुष्य कर्मरत रहते हैं उनके रास्ते में कोई विघ्न बाधाएं नहीं आया करती, अपने रास्ते को ठीक प्रकार से निभा जाया करते हैं, साधना में सफलता पा जाया करते हैं। जो मनुष्य कर्मरत नहीं है उनके रास्ते में विघ्न बाधाएं आती रहती हैं और वो आगे नहीं बढ़ सकते। हमने ये देखा है जिसमें पहले पहले हमने समाई गांव में जाकर के निवास किया या अन्यत्र जहां जहां योग प्रचार कार्यक्रम बनाए वहां पर तीव्रतम साधनाएं लोगों को कराई, नियम से उनका साधन क्रम चलता था, नियम से वो अभ्यास में बैठते थे, नियम से ही उनका खान पान होता था। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से आदेश दिया है, नात्यस्मतस्तु योगोस्ति रचयितान्तमाश्रितः न चापि शपथशीलस्य जागृतो नैव जार्गन युक्ताहार विहारस्य युक्त ज्येष्ठस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो लोग बहुत अधिक खा लेते हैं उनको योग सिद्ध नहीं होता, जो लोग भूखे मरते रहते हैं उनको भी योग सिद्ध नहीं होता, जो लोग बहुत सोए रहते हैं लंबे समय तक सोए रहते हैं उनको योग सिद्ध नहीं होता, जो रात को बैठ करके गप्पे लगाया करते हैं या ताश खेला करते हैं या जुआ खेलते हैं उनको योग सिद्ध नहीं होता, जो ठीक समय सो जाते हैं, ठीक समय उठ जाते हैं, ठीक समय पर अभ्यास करना आरम्भ कर देते हैं, जिनका काम नियमानुवर्तिता से चलता है वो अपनी स्थिति को उत्तम रूप से पा जाया करते हैं। नियमों की श्रृंखला हर व्यक्ति को बना लेनी चाहिए। जो नियमों की श्रृंखला बद्ध होकर के चलता है वो योग मार्ग में ऊंचे बढ़ जाया करते हैं। हमने अपने अच्छे अच्छे साधकों को नियमावली के अनुसार तप कराया, उसके परिणाम स्वरूप वो बहुत ऊंची स्थितियों को प्राप्त हुई। मैंने तुम्हारे सामने एक दिन जिक्र किया था, हमारा एक बच्चा रघुनंदन प्रसाद जिसका नाम टाटवाला बाबा प्रख्यात हुआ, वो एक इंजीनियर आदमी था, मेरे पास वो आया। उस समय वो हैट कैट डकटाई पहने हुए, बिल्कुल टूटी वेडी का बूट बूटा पहने हुए बाबू विश्व मेरे पास आया था और उसके आने का एक कारण हुआ था, बनारस में भगवान विश्वनाथ की मंदिर में प्रणाम करके दशाश्वमेध घाट पर उसने कई दिन अनशन व्रत करते हुए भगवान शिव का चिंतन किया। उस समय उसको आकाशवाणी हुई, तुम
समाई जाओ, सिद्ध गुफा जाओ, समाई जाओ, ऐसी वाणी हुई। किंतु आगे रास्ता कुछ नहीं बतलाया। उसने ये निश्चय किया कि वह बनारस से जो गाड़ी पहले मिलेगी उस पर बैठ जाएगा। इसी प्रकार वो बैठ गया। वो पहले चलने वाली गाड़ी अपर इंडिया एक्सप्रेस थी या कौन सी थी, दिल्ली आ रही थी, दिल्ली के लिए बैठ। दिल्ली तक वो समाई गांव को पूछता चला हुआ आया, किसी भी बतलाए। फिर उसने अपने मन में इरादा किया कि मुझे समाई गांव नहीं मिला जिसकी अब आकाशवाणी जो भगवान शंकर की थी वो नहीं पूर्ण हुई। अब मैं हरिद्वार जाकर के गंगा जी के जल में अपने आप के अपने शरीर को छोड़ दूं। जब ये इरादा करके हरिद्वार जाने के लिए किसी गाड़ी की तलाश में था, उस समय प्लेटफार्म पर बैठे हुए कुछ आदमी बात कर रहे थे, कह रहे समाई में एक ऐसे महात्मा आए हैं जो सबकी नाक में रस्सी डालते हैं और दूध पिलाते हैं, हर आदमी का इलाज कर देते, राजी हो जाता है। वो कह गया भाई ये समाई गाँव कौन सा है। तो कहे भाई साहब समाई गांव तो जिला आगरा में है और मितावली स्टेशन लगता है, मितावली स्टेशन से समाई गांव नजदीक है। कभी अच्छा तुम कांगड़ा हो गए, हम टूंडला जाएंगे, तुम चलते हो चलो, हम तुम्हें मितावली उतार देंगे, वहां से समाई गांव नजदीक है। कभी अच्छा, बस मैं यही चाहता था। यही सोच करके वो बैठ गया उनके साथ। उन लोगों ने उसको मितावली उतार दिया। मितावली उतर करके वो गांव में आया। हमारा जो तालाब है उसमें लक्ष्मी नारायण नाम का एक बच्चा था हमारा, रामचंद्र से बड़े भाई का नाम था, अब वो नहीं रहे दोनों ही। वो बैलों को जल पिला रहा था। उसने आकर पूछा कि भाई यहाँ पर कोई गुफा है, सिद्ध गुफा है, बाग है कोई? तो कह लगे कहाँ कोई महात्मा रहते हैं, कहाँ रहते हैं, चलो मैं तुम्हें ले चलूँ। वो ले आया, ला करके उसने आश्रम दिखाया। तो आश्रम को देख करके, गुफा को देख कर वो कहने लगा कि हाँ यही स्थान है, मैंने यही सफर में देखा था, भगवान शंकर ने यही दिखलाया था और गुरु जी यहाँ है नहीं। लक्ष्मीनारायण कहने लगा गुरु जी तो एकांतवास को गए हैं, चंडी के पहाड़ पर गए हैं, पता नहीं महीने में आए या दो महीने में आए, कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी अच्छा भाई अब जब कभी भी आएंगे मैंने उनके दर्शन करने हैं, दो महीने के लिए मैं वृंदावन चला जाऊंगी, जब तक गुरु जी आ जाएंगे तब मैं आऊंगा। इतनी बातें वो लोग कर रहे थे तो अकस्मात में उसी समय पहुंच गया चंडी के पहाड़ पर। मैंने तीव्रतम बड़े बड़े एकांतवास किए जंगल में रह करके। पिछली बार हम चंडी के पहाड़ पर गए थे, वहां जाकर ऊपर जाकर के अपना अपना पत्थर देखा जिस पर मैं सोया करता था रात में, वो पत्थर हमें अब नहीं मिला, तोड़ लिया लोगों ने, वहां मकान बना लिए नहीं थे इधर। तो खैर चंडी के पहाड़ से मैं एकांतवास करके वहां लौटा तो ये लक्ष्मी नारायण और वो रघुनंदन प्रसाद दोनों बैठे थे। गुफा थी, किवाड़ हमने लगवा दिए थे, किवाड़ उन्होंने बंद किए हुए थे और कुछ नहीं था। ये कमरे वगैरह तो अब बन गए हैं, पहले को कुछ नहीं था, किवाड़ गुफा से एक झोपड़ी मेरी रहती थी। बस मैंने अकस्मात किवाड़ खोले तो वो जो ब्राह्मण बालक लक्ष्मी नारायण बैठा था उसने मुझसे कहा केवल मात्र इस बात के लिए कि देखे जी पहचानेगा कि नहीं। मुझसे कहा क्यों भाई साहब, आप भी गुरु जी के दर्शन के लिए आए हैं, ये भाई साहब भी गुरु जी के दर्शन करने आए हैं और गुरु जी तो एकांत पास तो गए हुए हैं। मैंने कहा हाँ भाई हम भी गुरु जी के दर्शन करने आए। तो मैंने ये कह दिया आए तो हैं भाई। इतनी बात कहने पर वो रघुनंदन प्रसाद ने मुझे पहचान लिया, पहचान के वो कहने लगा कि गुरु जी यही है दर्शन करने भी आए, यही है आए हैं ये। तो लक्ष्मण कहे नहीं नहीं ये तो दर्शनार्थ आए, कहने यही है। खैर रघुनंदन प्रसाद ने मुझे प्रणाम किया, बाद में मैंने भी कह दिया हाँ भाई मैं आया हूँ और मेरे मन में आने की हुई तो मैं आ गया। खैर एक दो दिन के बाद उसने वो आगरे से सामान लाया, सामान ला करके योग दीक्षा ली
हमने उसको योग दीक्षा दी और योग दीक्षा दे करके हमने उसको नियमावली बनाई। पहले हम गुफा पर रख करके ही उसको नियमों पर चलाते रहे। मैं खाट पर सोया करता था, वो जमीन पर नीचे मेरे बराबर सो जाया करता था। पहले पहले जिस समय सवाइन प्रचार शुरू किया उस समय मेरे पास भी खाट नहीं थी, मैं भी नीचे ही सोया करता था। फिर वहां पर अभी भी है एक चिरंजीलाल ब्राह्मण, उनके किसी लड़के की शादी थी, उन्होंने खाट बनवा कर हमें दी। हम खाट पर सोने लग गए और वो रघुवेंद्र प्रसाद जी उत्तम उतरे बराबर सोया करता था। निवाली उसकी हमने बनाई, प्रातः काल उठा करके उसको दो तीन घंटे के लिए हम ध्यान में बैठा देते थे। पहले मंत्र जाप करता था, फिर ध्यान में बैठता था, फिर उसके बाद फिर उठ जाता था, फिर दो घंटे जाप करता था, फिर ध्यान में बैठता था। नियम ये बनाया था कि वो दो दो घंटे मंत्र जाप करता रहे, उसके बाद फिर ध्यान में बैठ जा करे। शाम के 5 बजे तक ये क्रम उसका चलता रहता था। फिर उसको मैं स्वयं भोजन बनाता था, अपने आप भोजन दोपहर को करा दिया करते। उसके बाद वहां पर रहते रहते, क्योंकि वो जमीन पर सोता था चबूतरे पर, उसकी बगल में एक सांप आग सो जाया करता था, जिससे वो बहुत डर गया। उसके फलस्वरूप उसको अपने कहा तुम गुफा के ऊपर सो जाओ। गुफा की छत पर वो सोने लग गया। वहां पर भी नीम की शाखाओं में चढ़ा हुआ सांप उसने देखा। कहने लगा गुरु जी ये तो सांप खतरनाक है, यह नीम पर भी आ गया। तो उसके फलस्वरूप उसको हमने गांव में भेज दिया। एक हमारे बच्चे थे काशीराम पुजारी, उनके मंदिर में उसको छोड़ दिया। उनके मंदिर के बराबर में एक कमरा था, उसमें बैठ करके रघुनंदन प्रसाद ने अपना अभ्यास आरंभ किया। 3 महीने तक एक समय भोजन करके वो अपना अभ्यास करता रहा। उसके बाद 3 महीने बाद उसने बेल के पत्ते खा करके अभ्यास किया। फिर 2-3 महीने केवल लस्सी पी करके रहा, फिर जल पीकर रहने लगा। परिणाम ये निकला कि उसको वो सिद्धि शक्तिमान हो गया, उसके अंदर दूरदर्शन योग्यता आ गई, वो हजारों कोष का देखने की ताकत उसमें आ गई, हजारों कोष की सुनने की ताकत उसमें आ गई। उसने जिसको जो वरदान दे दिया वो सफल हो गया, इतनी ताकत उसके अंदर पैदा हुई। वहां की तपश्चर्या के फलस्वरूप और नियमावली नियमानुबद्ध चलने के फलस्वरूप, मैंने तुम्हें ये बतलाया था युक्ताहार विहारस्य युक्त ज्येष्ठस्य कर्मसु युक्त सपना अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो ठीक समय खा लेता है, ठीक समय सो जाता है, जिसकी हर हरकत ठीक ठीक चलती है, उनके लिए योग दुख विनाश हो जाता है। नियमावली पालन करनी। रघुनंदन प्रसाद की नियमावली हमने ऐसी बनाई जिसके फलस्वरूप उसके अंदर सिद्धि शक्ति आ गई। ये एक स्वाभाविक चीज है, तुम इस बात को समझो या न समझो, योग दर्शन हमें ये बतलाता है कायेंद्रीय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। तप के द्वारा योगी को कायिक और इंद्रिय सिद्धि मिल जाती है, क्योंकि उससे अशुद्धि का नाश हो जाता है। तप के द्वारा योगी दूर दूर की देखने वाला बन जाता है, दूर दूर की सुनने वाला बन जाता है। ये बात रघुनंदन प्रसाद के जीवन के अंदर आई, उसको दूर दूर का देखने लगा, दूर दूर का सुनने लगा। एक और बात उसके अंदर आई, रितंभरा प्रज्ञा वाली। रितंभरा प्रज्ञा का अर्थ है रितम सत्यम विभर्ति या सा रितंभरा। जो जिस बुद्धि के अंदर सत्य ज्ञान होता है वो रितंभरा प्रज्ञा कहलाती है। एक बार रघुनंदन प्रसाद वहां बैठा था। ये सफेदों वाले रामस्वरूप शास्त्री अभी तक जिंदा हैं, पर अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। वो योग दीक्षा लेने वाले थे। रघुनंदन प्रसाद ने उससे कहा शास्त्री जी जल्दी दीक्षा ले लो। वो कहने लगे क्यों महाराज क्यों? कि दीक्षा ले लो, बाद में बतलाऊंगा। उन्होंने दीक्षा ले ली। 20 आदमी स्वामी गांव के उस समय थे वहां। कहने महाराज क्यों आपने जल्दी दिलाई? तो कहने लगे इस समय तुम्हारी स्त्री प्रसव कर रही है, उसके पेट से बच्चा बाहर आ रहा है और लड़का है,
कल तुम्हें तार आ जाएगा। अब तुम सूतक में हो, तुम दीक्षा लेने के अधिकारी नहीं हो। लोग पीछे पड़ गए, उनका आपको कैसे ज्ञान हुआ? उसने कहा पहले तो मेरे मन के अंदर आया ये इसको सूतक होने वाला है, फिर मैंने आंख उठाकर देखा तो मैंने देख लिया कि इसकी स्त्री दर्द में कहरा रही थी, अब मुझे दिख रहा है कि उसके पेट से बच्चा बाहर आ गया है। उस लड़के का नाम अब वो रामसूख शास्त्री ने बीसा बीसा करके उसको पहले कहने लगे, पता नहीं यही नाम है कोई और है, है? क्या वैसे तो आनंद हाँ बीसी। तो फिर खैर वो बात बिल्कुल यथार्थ निकली। लोगों ने पूछा आपको ज्ञान कैसे हुआ? उसने कहा पहले तो मेरे मन के अंदर आया कि बच्चा होने वाला है, इसको कहते ऋतम भरा प्रज्ञा। ऋतम सत्यम विभर्ति या सा ऋतम्भरा, जो सत्य को धारण करने वाली बुद्धि होती है वो ऋतम्भरा होती है। और संप्रज्ञात समाधि की चौथी श्रेणी के अंदर ऋतम्भरा, अस्मितानुगत समाधि के अंदर ऋतम्भरा प्रज्ञा होती है, जो अभ्यास करता चला जाए। पहले ऋतम्भरा, फिर उसके तप के फलस्वरूप उसको, फिर उसने कहा फिर मैंने आंख उठा करके देख लिया कि बच्चा हो रहा है, पहले मन में आया फिर देख लिया, तो यथार्थ बात निकली। इसी प्रकार से उसने वहां पर जिस चीज को वरदान दिए वो सफल हुए। फिर वो धीरे धीरे जब इस प्रकार ज्यादा होने लगा तो मैंने उसको मना कर दिया कि तुम देखो ये बातें मत कहा करो, सिद्धि शक्तिवान को बड़ी सिद्धियां दिखलानी नहीं चाहिए। उसने मुझसे कहा आप मेरा मान नहीं देख सकते इसलिए आप नाराज होते हैं। मैंने कहा मैं नाराज नहीं होता, ये मान तेरा नहीं, मान तो मेरा है, एक मेरे बच्चे का मान है तो मेरा ही मान है। उसके मन के अंदर भावना ये आने लगी कि मैं यहां से चला जाऊं। फिर वहां पर एक साधु आया तो दौलतराम अभी जिंदा मौजूद है उनके सामने की बात है ये। उस साधु ने आकर की मैं वहां था, वो भोजन करने के लिए वहां वो वहां था, मैं काशीराम पुजारी के यहाँ भोजन करने गया। उस महात्मा ने आकर कहा महाराज जी कहाँ गए? उसने कहा महाराज जी भोजन करने गए। कि कितने देर में आएंगे? अभी आते होंगे कि नहीं? उनका विचार बदल गया और शाम के 5 बजे तक वहीं रहेंगे, तुम बुला लाओ कि एक महात्मा दर्शनार्थ आए। वो मुझे बुलाने के लिए गया, मैं काशीराम पुजारी के मंदिर में बैठा था, उसने जाकर मुझसे बात कही एक महात्मा दर्शनार्थ आए हैं और उन्होंने मुझे बताया कि आप शाम के 5 बजे आएंगे। मैंने कहा हाँ भाई मेरा विचार तो ऐसा ही था, आज यहाँ सत्संग कराने का विचार था, किंतु चलो। जब मैं वहां गया तो मैं ये सोचता रहा था कि उस महात्मा को हम सरबान के साथ अपने साथ बिठाएंगे, किंतु वो नहीं माना, उसने दंडवत प्रणाम किया मेरे रास्ते में पड़ करके। उसके बाद गुफा के सामने खड़ा होकर के रघुवर्धन प्रसाद से कहा क्यों तुम विश्वनाथ जी के हुक्म से यहाँ आए? उसने कहा विश्वनाथ जी के हुक्म से आया। कहे अच्छा, मेरा और इशारा करके कि यही विश्वनाथ जी है, इनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए, कर दंडवत, जो तुम्हें यहाँ मिल गया है वो कहीं नहीं मिलेगा, कर दंडवत। 7 दंडवत प्रणाम कराई और फिर कहा अच्छा गुफा की परिक्रमा कर, दंडवत प्रणाम कर, वो भी कराया। उसके बाद ये दौलत राम वगैरह वहां थे, उन्होंने कहा कि महाराज आप कुछ भोजन कर लें। वो कह गया मेरा भोजन तो बहुत खड़ा है यहाँ, इतने पत्ते आपके तोड़ करके धतूरे के सब खा गया। कहे महाराज कुछ दूध वगैरह, तो लेट में वर्षा का जल पड़ा हुआ था, वो जल किए मेरा दूध, ये कह करके वो महात्मा चल पड़ा। गांव के बीसियों लोग उसके पीछे गए, किंतु थोड़ी दूर तक तालाब तक जाकर के वो अंतर्ध्यान हो गया, किसी को नहीं मिला। ये उसने रघुनंदन प्रसाद को आज्ञा दी, साथ ये भी कह दिया तुम्हें तो यहां मिल गया है वो कहीं नहीं मिलेगा, किंतु तो क्रोधी है अहंकारी है, तू चला जरूर जाएगा यहां से, ये भी कह दिया, और जाएगा तो तेरे को सख्त खतरा आएगा। कुछ दिन के बाद रघुनंदन प्रसाद हमारे पास से चला गया, एक पहाड़ के अंदर जाकर बैठा, वो पहाड़ ऊपर से टूट पड़ा, उसके नीचे दब गया। पहाड़ी लोग देखते थे, उन्होंने खोद खाद करके 2-3 दिन में उसको भीतर से निकाला, तो एक आध श्वास आ रहा था, बड़ी मुश्किल से प्राण जाने वाले, खैर जिंदगी बच गई। फिर उसके बाद लौट करके आया
मैं पहचान भी नहीं पाया मैंने कहा तुम कहाँ से हो। मैंने कहा महाराज तुम कहाँ से आए हो। कहने महाराज मैं आपका बच्चा रघुनंदन प्रसाद हूँ, आप मुझे क्या पूछ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा रघुनंदन प्रसाद तुम्हारी की क्या हालत है। महाराज वो महात्मा जो कह गया था गुरु जी वो थी मैं तो मर गया होता पहाड़ के बीच में दब गया था मुश्किल से निकल गया हूँ। खैर वो फिर अलग अलग ऐसा रहता रहा। फिरोजाबाद में उसने आश्रम कायम किया योग सिद्ध आश्रम उसके नाम का नाम उसके आश्रम का नाम है। अब वो 13 मई को उसका देहावसान हुआ। मेरा कहने का अभिप्राय केवल मात्र एक है कि उसने नियमानुवर्तिता से जैसे नियम हमने बनाए उसके अनुसार साधनाएं की और साधना के फलस्वरूप इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त हुआ। योग दर्शन हमें बतलाता है तपस्याध्याय ईश्वर परिधानानि क्रिया योग है। मनुष्य पहले तप करे और उस तप के अंदर वो अपने आहार विहार पर संयम करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, नियम से रहे, नैतिक व्यायाम करे। तप का फल उसको दूरदर्शन योग्यता आ जाएगी। यहाँ बनारस में हमारा एक लड़का विष्णु है वो आया नहीं, मैं उसकी इंतजार देखता था। है तो इलाहाबाद का, वो बनारस में रहता है। हमारा एक प्राचीन साधु अब वो शायद नहीं होगा, वो विष्णु कहता था कि वो साधु यूं दीवार के अंदर से देख के कह दिया करता था कि ये फलानी जगह का आदमी आ रहा है, इस दीवार से परे वो आ रहा है। उसने बचपन में प्रभु जी के चरणारविंद में दीक्षा ली थी। वो पहाड़ी था, प्रभु जी ने 5 महीने पर उसको नौकर रखा था, अल्मोड़े की तरफ का कहीं का था। तो नौकरी वो करता रहा, नौकरी करते करते उसने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने पर वो साधना करने लगा। वह ब्राह्मण बालक का साधना करते करते इतना बढ़ गया कि उसको दूरदर्शन योग्यता प्राप्त हो गई थी। वो विष्णु कभी आएगा इससे हम पूछवा देंगे। तो खैर कहने के बाद जो मनुष्य तप करता है तपस्या में सबसे बड़ी बात ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर, दूसरी बात युक्ताहार विहार रहे, तीसरी बात ज्यादा बक बक झक झक न करे और चौथी बात अपनी नियमानुवर्तिता का बिल्कुल पक्का रहे, उसमें कोई भी विघ्न बाधा आने न दी। फिर वो तप उसका पूर्ण हो जाता है, फिर उसको दूरदर्शन योग्यता आ जाती है। तप के साथ यदि मनुष्य स्वाध्याय करता है, अपने किसी मंत्र का जाप करता है तो उसका परिणाम निकलता है स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग है। विषयो बुनया सिद्धास्त स्वाध्याय शील से दर्शन दक्षती कार्यता से वर्तंत। ऋषि लोग, मुनि लोग, देवता लोग, जो मनुष्य स्वाध्यायशील है, स्वाध्याय करता है, उसकी आंखों के सामने जाया करते हैं और उसको वरदान वगैरह दे दिया करते हैं। जो मनुष्य पहले तप करेगा और फिर स्वाध्याय जारी रखेगा उसका परिणाम ये निकलेगा, रजोगुण और तमोगुण खत्म हो जाएंगे, सतोगुण का पूर्ण विकास हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर प्रणिधान हो जाएगा, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण भावना तप और स्वाध्याय के द्वारा मनुष्य के अंदर स्वतः पैदा हो जाती है। और वो हो जाने के बाद जब ईश्वर को मनुष्य आत्मसमर्पण कर देता है तो समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात् आवर्जित अभिमुखी कृत ईश्वर तमन गृहति अभिध्यान मात्रेण इदमस्याभितमस्तुरिति। ईश्वर को आत्मनिवेदन करने पर ईश्वर, क्योंकि ईश्वर महायोगी, ईश्वर आदि महासिद्ध है, उसके संकल्प से वो मनुष्य योगी बन जाता है, उसके अंदर शक्तिपात आ जाता है, शक्तिपात होकर फिर उसकी समाधि लगने लगती है। इसी का उदाहरण ब्रज गोपिकाएं हैं, इसी का उदाहरण गोसाई तुलसीदास हैं, इसी का उदाहरण नरसिंह मेहता है और इसी का उदाहरण और जो ऊंचे भक्तात्मा जिनको ईश्वर का साक्षात्कार हुआ वो सब इसी बात के उदाहरण है। तो मेरा कहने का अभिप्राय केवल मात्र एक, व्याख्यान तो मैं ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, उसका कारण मैं सब दिन बोलता रहता हूं अब भी, यद्यपि आने वालों की भीड़ अब परिमित है, सीमित है, किंतु फिर भी प्रातःकाल से लेकर शाम तक लोग सवालात करते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरे के बाद तीसरा, बोलने वाले अनेक होते हैं, उनके जवाब भी को देने पड़ते हैं, इसलिए थकावट हो जाती बोलते बोलते। किंतु तुम्हें मैंने ये नियमावली समझा दी
कि जो साधक नियमानुवर्तिता से काम करेगा। हमारे पास बहुत बच्चे आते हैं और वो बच्चे भावना होती है हम कुछ कर रहे हैं, किंतु पढ़े रहने से साधना नहीं बनती। साधना बनेगी गुरुदेव के कंट्रोल में हाथ में बंद करके नियमावली बनाएंगे गुरुदेव, तुम उस नियमावली का पालन करो। और तीसरी बात, भोग विलास को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके नियमावली का पालन करेंगे उनके अंदर अवश्य शक्ति पैदा हो जाए, अवश्य ही बन जाएंगे। ऐसा नहीं कोई न बने, मेरे मन के अंदर ये विश्वास है ही नहीं कि कोई न बने, ये हो ही नहीं सकता। किंतु बनने वाला तो हो, अधिकारी तो हो। यदि एक व्यक्ति आकर के बातें बहुत करता है, तरह तरह के सवाल करता है, खेतरी का क्या फल निकलेगा, बजरोनी से क्या हो सकता है, बजरोनी को करनी चाहिए यू नहीं करनी चाहिए। आज के लोगों ने बजरोनी को भोगियों की क्रिया बना रखी, भोगी विलासी करते हैं। बजरोनी करके कोई सिद्ध स्थिति को प्राप्त होने वाला तो हमें दिखता नहीं, बस ये नौजवान लड़के अपनी मूत्र इंद्रिय मसलाई इसमें लगवा लेते हैं, भोग की सामर्थ्य बढ़ जाती है थोड़ी सी, बस भोगता बन जाते हैं। ये नहीं होता कि वो पारे और पीली की गोली बना करके यहाँ पहुँचाएंगे और समाधि लग जाएगी, ऐसा किसी का नहीं होता। कोई कर ही नहीं पाता है, इतना प्राणायाम नहीं होता है, इतनी योग्यता नहीं। इसलिए नियमावली पर जो मनुष्य चलते हैं, चाहे हठ योग की साधना करें या राजयोग की साधना करें, हठ योग का अधिकारी तो मुझे इसका कारण कोई दिखता ही नहीं। हमारे पास साधना करने वाले प्राणायाम करने वाले बहुत लोग आए और हमने उनकी सहायता भी की। दिल्ली में हमारा एक लड़का है काशीनाथ, 3 क्लस्टर घी के उसको खिलाए। और भाई हमारे केशव दादा को भी मैंने खिलाए थे ऋषिकेश में, एक ब्रह्मचारी आयु स्वरूप था उसको भी 3 क्लस्टर खिलाए, किंतु वो प्राणायाम कर नहीं सकते, प्राण पर कंट्रोल नहीं कर पाए। केवल मात्र एक लड़का जम्मू में हमारा था, संसार सिंह उसका नाम था, उसने प्राणायाम किया, प्राणायाम पर उसने विजय प्राप्त की। प्राणायाम से उसके अंदर दूरदर्शन योग्यता सारी उसके अंदर थी। इसलिए देखो ये 4-5 रोज अब यहाँ रहेंगे, उसके बाद तुम लोग भी तितर बितर हो जाओगे। वैसे हमारे बच्चे हमें सब आश्रम में जाकर मिलते रहते हैं, किंतु आश्रम में भी श्री रामनवमी के अवसर पर बेअंतहा भीड़ होती है। वो भीड़ इतनी आश्रम में कहीं जगह नहीं रहती पैर रखने की, चारों तरफ से हमारे बच्चे आ जाते हैं। मैं सिद्धांत की बात समझा देता हूँ, जितनी मुझसे बोला जा सकता है उतना बोल कर कह देता हूँ, किंतु उस नियमावली पर चलने वाला कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अपने हर गृहस्थी सत्संगी बच्चे के लिए ये बतलाया, पूरे प्रातःकाल 4:15 बजे उठो, थोड़ा सा जल पी लो, जल पी कर सोच जाओ, सोच जाने के बाद दातुन जरूर करो, दातुन करके फिर नहाओ, स्नान करके गांधी आश्रम वाले खड़ रहे होते से अपने शरीर को यूँ रगड़ के पूछो रोम को खुल जाए। ये के करने के बाद श्री प्रभु जी की आरती करो, पूजन करो, उसके बाद अपने जीवन तत्व साधन की क्रियाएं करो। 1 घंटा बैठ करके 1.25 घंटा, इतना समय निकल जाने के बाद तुम अपना 1 घंटा या 2 घंटे जितना जिसके पास समय हो उतनी देर अपने गुरु मंत्र का जाप करो। जाप करके कम से कम 1/2 घंटा ध्यान में बैठ जाओ, ज्यादा नहीं। ये प्रातः काल की नियमावली पालन करो। दिन में अपने गृहस्थ के कार्य करो, नौकरी वाले नौकरी करें, बिजनेस वाले बिजनेस करें। सायंकाल के समय अवकाश में ले जाने के बाद मेरे ख्याल में 8 बजे तक सब दुकानें बंद हो जाती हैं, ज्यादा है ज्यादा, किंतु अवकाश निकाल करके 5 से 7 बजे तक अपने गुरु मंत्र का जाप, 7 से 8 बजे तक ध्यानाभ्यास, उसके बाद भोजन कर लेना। भोजन करने के बाद शवासन से लेट कर सो जाओ, ध्यान करते हुए सो।
ध्यान करते कर सीधे पड़े रहो, सीधे पड़े गणित ध्यान अच्छा लग जाएगा। और फिर उस ध्यान में दर्शन वगैरह जो होते रहेंगे उसका परिणाम ये निकलेगा, सोना तो सबसे भला, जो कोई जाने सोए अंतर लव लागी रहे सहज ही सोन रहे। यदि सीधे लेट करके ध्यान करते करते सो जाओगे तो उस समय सुषुम्ना नाड़ी चलेगी और सुषुम्ना नाड़ी के अंदर ब्रह्म नाड़ी में गति हो जाएगी। तो कहने का अभिप्राय ये, ध्यान लग जाएगा। से एक निष्कर्ष की बात कहती, वेदेश यज्ञेश दानेश यत् पुण्य, वेदेश यज्ञेश तपस्व तैव दानेश यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परमस्थानोपैति राज्यं। वेद में, यज्ञ में, दान में, तप में जो पुण्य फल कहा गया है, योगी उस पुण्य का सारे का उल्लंघन करके आदि परम स्थान को प्राप्त होता है। वेदेश यज्ञेश तपस्व दैव दानेश यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति राज्यम। योगी का योगी आद्यम परम स्थान उपैति कहा गया है, अर्थात ज्ञान धारणा करने वालों को जिस प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है, योगी का दर्जा उससे भी आगे का है। बड़े बड़े यज्ञ करते कराते हैं लोग, उनका फल भी पुण्य निकलता है, योगी उस पुण्य से भी आगे बढ़ जाता है। वेदेश यज्ञेशु तपस्व सही वह तप के द्वारा योगी को वज्रकाय आदि शारीरिक सिद्धियें और दूर दूर का देखना, दूर दूर का सुनना, ये सब ताकतें योगी के अंदर आ जाया करती हैं। तब से जो ताकत प्राप्त हो जाती है उससे भी, उनसे भी योगी का दर्जा ऊंचा है। वेदेश यज्ञेषु तपस्व चैव दानेश यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम विविध प्रकार के दान करने पर जो पुण्य फल मिलता है, इन सब का अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा इन सब के अंदर जो पुण्य मिलता है, योगी उस सब को छोड़ करके आद्यम परम स्थान उपैति आदि परम स्थान को प्राप्त हुआ करता है। पीछे भी भगवान ने तपस्वी भ्योरिको योगी, ज्ञानी भ्युक्तो अधिक है, कर्मी भ्यष्ट अधिको योगी तस्मात योगी भवार्जुन ने अर्जुन को योगी बनने का आदेश दिया, क्योंकि योगी का दर्जा तपस्वियों से ज्यादा है, ज्ञानियों से ज्यादा है, और उसके बाद कर्मकांडियों से ज्यादा है। इसलिए वही बात अब दोबारा यहाँ पर भी कहते, वेदेषु यज्ञेषु तपस्व दैव है, वेद में, यज्ञ में, दान में, तप में जो पुण्य फल कहा गया है, अत्यधि तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति राज्यं, इन सब का उल्लंघन करके योगी आदि परम स्थान को प्राप्त होता है। कहने का अभिप्राय केवल बात में एक, दान पुण्य करते रहो, यज्ञ दान तपस कर्म पावनानी मनीषिणाम, यज्ञ करना, दान करना, तप करना ये मनुष्य को पवित्र करने वाले साधन हैं, किंतु योगाभ्यास करने वाले का दर्जा इन सब से आगे का है। जो अपने आप को क्रियात्मक रूप में बदल देता है, अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है, वो जितने दान पुण्य फल कहे हैं उनसे उसका दर्जा बहुत उत्कृष्ट हो जाता है, और ऐसा योगी स्वतः ही आदि परम स्थान को प्राप्त हुआ करता है। इसलिए भगवान के इन पवित्र उपदेशों को सुन करके, जो रोज रोज तुम्हारे सामने आते हैं, इनको सुन करके
अपने आप को ज्ञानमय बनाने की चेष्टा कर लो, अंतर जगत में प्रवेश कर जाओ। जो मनुष्य अंतर जगत में प्रवेश कर जाता है वो निहाल हो जाता है, कृतार्थता है, और धीरे धीरे वो सर्वसमर्थ सारी ताकतों का मालिक बन जा। बस ये आठवें अध्याय की एक श्लोक के बारे में मैंने सब बातें शुरू से कह दी, और इसी प्रकार के सैद्धांतिक भाषण मैं रोज रोज में किया करता हूँ। इन बातों को सुन करके अपने आप को योग ध्यान पारायण बना दो, इससे सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाओ। ईश्वर कृष्ण गुप्तार्थो धूमकर तत्वशी विजयाभूति ध्रुआ नीति मती हो, अर्थात जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन है, वहां सब प्रकार की विजयभूति रहा करती है। ये अपना विचार धृतराष्ट्र के सामने संजय ने बतलाया। संजय के मन में जो विचार थे उसने कही, एक नियम की बात चलती है और वो ये हर व्यक्ति अपने पल को देखता है। धृतराष्ट्र ये जानते थे मेरे पुत्र धर्म पर चलने वाले नहीं है, किंतु चाहता वो यही था विजय मेरे पुत्रों की हो जाए। विदुर से एक बार पूछा, विदुर जी लड़ाई हो गई तो जीत किसकी होगी? विदुर ने जवाब दिया कि मैं केवल एक बात को जानता हूं, यत्र कृष्णस्तु तो जया है, जहां कृष्ण होते हैं वहां जय हुआ करती है। किसकी जय होगी इस बात का मुझे पता नहीं, यदि वो कह देता जय पांडवों की होगी तो धृतराष्ट्र बिगड़ जाते, ये पांडवों का पक्ष होता है। इसलिए एक बात कह दी, यत्र कृष्ण तत्र जय, जहां कृष्ण होते वहां जय हुआ करती है। धृतराष्ट्र ने पूछा, अच्छा ये बतलाओ कृष्ण किसकी तरफ होंगे? ठाकुर स्वाती तो ये कह लाना चाहता था कि आपकी तरफ होंगे और किसकी होंगे, ठाकुर स्वाति तो ये कहना चाहता था। वो पृथ्वीराज चौहान के सामने वो तो चापलूसी करता रहा, क्या कर सकता है मामनपुरी आपका, आपके सामने है ही क्या कि ठकुर स्वाति कहता रहा। परिणाम ये निकला कि मामनपुरी पकड़े गए और उनको नेत्रों से ही कर दिया, चाहे उसने फिर समुद्री जुबान से मार दिया किंतु ठकुर स्वाति करने का परिणाम ही निकला। धृतराष्ट्र चाहते थे विदुर हमारे पक्ष की बात करें और कह दे महाराज कृष्ण की ताकत ही क्या है, वो तो आपके ही साथ होगा, होना पड़ेगा, उसको लाचारी है, ये कहना चाहते।
किंतु वो जो धर्मात्मा थे उन्होंने कहा कि ये नहीं मैं कह सकता। All right.